रंजीत साहू, वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज चैनल। आज मैं 2 अक्टूबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी हैं और तीसरे नंबर पर शिव नादर हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में ओले सोइका ने अपनी नई पुस्तक क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ प्रकाशित किया है। आपको बता दें, 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी लिखने के बाद लगभग 50 वर्षों बाद एक नए उपन्यास के साथ वापस लौटे हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में विनोद अग्रवाल को ASDC यानी ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत की महिला टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है। आपको बता दें, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला गुलाबी टेस्ट मैच है। इसमें भारतीय टीम का नेतृत्व मिताली राज कर रही हैं। इसी साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसी साथ आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैकियाओ ने मुक्केबाज से संन्यास की घोषणा की है। इसी साथ आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं दूसरी अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया है। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस वीडियो का आप ऑडियो रिवीजन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।